संत जो होता है, संत पहले तो राजनीति में नहीं आता है, संत को राजनीति में आना चाहिए। वो अध्यात्म से, ईश्वर से जुड़ता है, भगवान का नाम लेता है, मानव सेवा का काम करता है और देता है कि मानव का कल्याण हो और देश की तरक्की हो। दिसंबर महीने में आके आप बनारस में, आप प्रयागराज में उस ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे हैं और कह रहे हैं गंगा मैया की जय हो। आखिर दिसंबर के उस ठंडी के पहले भी तो गंगा मैया की जय होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने 116 मंदिर तोड़वाया वहाँ पे। हमने तो नहीं देखा कि मोहम्मद गोरी गजनवी मंदिर कैसे तोड़वाया, लेकिन वहाँ पे 116 मंदिर आपने तोड़वा के एक कॉरिडोर बनवाया। भारतीय जनता पार्टी 75,000 वोट पाकर अगली बार दूसरे नंबर पर थी और इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, तीनों लोग जीत रहे हैं? तीनों का पांचों लोग जीत रहे हैं। हाँ। पांच प्रत्याशी है ना। हाँ। सब अपने अपने दावा करके हम जीत रहे हैं। भाजपा भी अपने जगह पर ठीक है, ब्राह्मण यहाँ सबसे ज्यादा संख्या है ब्राह्मणों का। शंकर तिवारी तो उनका भी वोट ले जाएंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल, आधा दो फाट बचेगा। ब्राह्मण की नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मण की नाराजगी सिर्फ अखिलेश यादव दूर कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव एक एक नेतृत्वकर्ता होता है। आप इतिहास उठा के देखेंगे तो अखंड भारत का निर्माण करने के लिए अगर कोई सोचा था तो वो ब्राह्मण ही था, वो चाणक्य थे जिन्होंने सोचा था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा। क्यों नहीं कोई और वर्ग विशेष सोच लिया था? क्यों नहीं कोई और पार्टी, कोई शासक, कोई राजा सोच लिया था? इसलिए कि वो दिमाग में नहीं आता है, वो केवल एक ब्राह्मण ही कर सकता है। और आपको बेसिक चीज बता दें, एक ब्राह्मण जाता है शादी करवाने के लिए तो वहाँ कुम्हार को ले जाता है, वहाँ जो एक डाल सहाना बनाता है, जो डूमवर्ग जात विशेष आते हैं उनको ले जाता है, एक हजाम को ले जाता है। एक ब्राह्मण इतनों लोगों को रोजगार देता है, ये बहुत जमीन से जुड़ी हुई बात है। क्या कांग्रेस 7 बार मुख्यमंत्री बनाई है, एक बार नारायण दत्त तिवारी का केवल नाम न लीजिए, आप कमलापत त्रिपाठी जी का लीजिए, मंत्री नंदन बहुगुणा का भी नाम बिल्कुल। हमारे 7 मुख्यमंत्री देने का काम किया है कांग्रेस ने। 7 बार मुख्यमंत्री बनाई और 7ों मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरे वाले। ठीक है, उसके बाद से 86 में बसपा का गठन हुआ है और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं यह पार्टी 92 में आई है। भाई विनय शंकर तिवारी जी का ही सब कुछ है। विनय शंकर तिवारी जी का है? विनय शंकर तिवारी से आप लोग जुड़े हैं कि हरिशंकर तिवारी के जमाने से आप लोग जुड़े हुए हैं? हरिशंकर तिवारी के ही जमाने से जुड़े हैं हम लोग। हमारे प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी है। आप लोग तो प्रत्याशी? हाँ, 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 हाँ। हम उनको जानते हैं, पार्टी को नहीं जानते। आप लोग पार्टी को नहीं जानते? नहीं, हमारे प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी है। हमारे यहाँ से वो विनय शंकर जीती हैं। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी का चुनावी कार्यालय है और जाहिर सी बात है कि चुनावी कार्यालय विनय शंकर तिवारी का है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का है, तो भीड़ भी, समर्थक भी उन्हीं के होंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे उनसे ज़रा ये समझने की और जानने की कि उनका चुनाव कैसा चल रहा है। हालांकि ये कुछ बताएं उससे पहले ही मैं बता दूं आपको कि ये सारे लोग एक सुर में यही बोलेंगे कि विनय शंकर तिवारी का चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर भी ज़रा इनके मन की जो बातें हैं उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या है माहौल? माहौल बदलाव का है। यह गढ़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन जीत तो दर्ज नहीं कर पा रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का जीत उम्मीदवार के ऊपर तय है कि उम्मीदवार कैसा है। आप एक बात बताइए अगर सरकारें अगर इस तरह का काम करने लगी, ये बताइए आपके भी अगर निशान अगर खोला जाए तो आपको भी टीका लगा होगा, आपको भी पोलियो बूथ की 2 बूंद पिलाई गई होगी। बिल्कुल पिलाई गई है। क्या कभी कांग्रेस सरकार चाहे कोई भी सरकार रही हो कभी गिनाने का काम किया है? नहीं किया है। इन्होंने बस प्रचार करने का काम किया है, काम से ज्यादा प्रचार करने का काम किया है। हमारी पार्टी की रणनीति है, पार्टी मेरी रणनीति पर चुनाव लड़ती है, पार्टी विकास की रणनीति पर चुनाव लड़ती है, सबको सम्मान देती है, सबको सुरक्षा देती है, अपराधियों की जगह जेल में है, भय का वातावरण नहीं है समाज में। यहाँ का कोई जैसे अपराध का जो भी है, जो हमारा सरकार है, अपराध कहते हैं लोग कि अपराध कम हो गया, लेकिन हमारे देखने में कम नहीं हुआ। कोई भी सरकार आप देख लीजिए, जो ये बिजली देख रहे हैं आप, पंखा चल रहा है ना, आज के 5-7 साल पहले था नहीं, जो पंखा था चलता नहीं था।
जो आवास मिला था 2.5 लाख में, जो 2 लाख रुपए दिए जा रहे थे, तो बाद में वो नगर पालिका की तरफ से 25,000-50,000 वसूले भी जा रहे थे, आप ये भी ध्यान दिए होंगे। और ये जितने राशन हम लोग को मिल रहे हैं तो ये मार्च तक मिलेंगे, बाकी सबको पैसा देना पड़ेगा। फ्री में सल्फास की गोली नहीं मिलती है, फ्री में एक जहर की गोली नहीं मिलती है, तो ये लोग कहाँ डूबे हुए हैं इस भ्रम में कि फ्री में हमको 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ मिल रहा है। नारायण दत्त तिवारी के ही शासनकाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ यूपी में। अच्छा, और जब ब्राह्मण लगेगा, ब्राह्मण चाणक्य की भूमिका काम करेगा, तो ब्राह्मण सही सलाह देगा, विकास होगा, विनाश नहीं होगा। उन्होंने किया नहीं ना, किया तो योगी ने, उन्होंने तो नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मेरी प्रोजेक्ट था, उन्होंने भगवान को ही स्वयं पैदा कर दिया धरती पर, तो उन्होंने केवल किया, मुँह से कह दिया उन्होंने किया था, किया तो नहीं। माननीय मोदी जी ने कॉरिडोर का स्थापना किया, भव्य रूप दिया, या आप भी जानते हैं। सरकार अच्छा काम नहीं किया, पैसा नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, एक जात समूह के वर्ग का काम हो रहा है, बाकी सबका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन महंगाई तो चलिए मैंने मान लिया, और बेरोजगारी भी मैंने मान ली, जैसे ही भ्रष्टाचार की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि भ्रष्टाचार तो समाजवादी पार्टी के जमाने में सबसे ज्यादा हुआ। नहीं, एक वर्ग विशेष का उत्पीड़न किया गया है, ब्राह्मण समाज का। निश्चित रूप से गुंडे माफिया राजनीति से बहुत दूर हो गए, और उनको जो माफिया टाइप के लोग थे, आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर वो उनके सर को कुचलने का काम पूज्य योगी जी की सरकार ने किया। 17 से 22 तक यूपी का विनाश हुआ। एक बिल्डिंग बनाने में पैसा लगता है 10 करोड़ 5 करोड़, उस बिल्डिंग को उठा दिया जाए, उस बिल्डिंग को, इनको राजधर्म निभाना है तो उस बिल्डिंग को गरीबों के नाम आवंटन कर दें, सरकारी विभाग बना दें। क्यों गिरा रहे हैं किसी का बिल्डिंग? वो तो कह रहे हैं कि भाई माफिया की जमीन है, बुलडोजर लगा गिरा दिया। माफिया, उनसे बड़ा माफिया कौन है? यही व्यवस्था इनकी अच्छी होती, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती तो गंगा में लाशें नहीं बहती और रेतों में लाशें दफनाई नहीं जाती। ब्रजेश मिश्रा ने एक दिखाया था वीडियो, आपको दिखाया था, जब केंद्र में मोदी जी ने बोला था अपने भाषण में कि हम कोरोना के ऊपर बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर लिए हैं, तो जब मीडिया में उन्होंने दिखाया कि ये लाशें बहती हुई क्या है, तो उनके ऊपर ईडी का छापा डलवा दिया गया। दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने सर्वांगीण विकास किया, उन्होंने किसी नेता के कहने पर ऐसा कि ये विशेष चीज़ें हैं इस तरह का विकास नहीं किया। आप जाकर के उठा कर देख लीजिए, माननीय राजेश त्रिपाठी जी यहाँ पर विधायक न रहते हुए भी बहुत सारे बोल्डर के कटान क्षेत्र, जब कटान हो रहा था तो उन्होंने बोल्डर पिचिंग कराया है, बहुत सारी योजनाओं को ला करके यहाँ पर विकास का क्रियान्वयन किया है। तो ऐसा कोई जरूरी है, जिसके पर नेतृत्व करने की क्षमता हो, विकास करने की सोच हो, वो जीते, वही बढ़िया है। धंधे के लिए परेशान जी, क्या धंधे पर असर पड़ा है क्या आप लोगों के? हमारा तो खराब है। किस चीज़ का धंधा है आपका? पोल्ट्री वाला। तो मीट मुर्गा तो ठीक ठाक बिक रहा है, क्या क्या दिक्कत आई? कहाँ कहाँ से आपको लग रहा है ठीक बिक रहा है? कुछ थोड़ा हमारे सवालों का आप भी जवाब। नहीं नहीं, हम तो झुकी देखिए, ठीक है, बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपने कहा ठीक। हाँ, कहाँ से ठीक, थोड़ा सा आप हमको समझा दीजिए। आपको कहीं लगता होगा ना ठीक नहीं? जैसे भाई देखिए भाई, सरकारें दावा करती हैं, हम तो सरकार के दावे और विपक्ष के दावे दोनों की बातें हम कर देते हैं। समय में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना खर्चा करके, यानी मैं अपना पैसा खर्च करके और आपका भला करूँगा? कोई ऐसा व्यक्ति बताइए, कोई नहीं है। राजनीति क्यों उम्मीद रखते हैं किसी से कि कोई अपना पैसा खर्च करके हमारा फायदा करेगा? हम अपना फायदा अपने दम पे ही कर पाएंगे, दूसरा नहीं करेगा। अपना पैसा खर्च करके तो नहीं ये करेगा, लेकिन आज के समय में, लेकिन जो मैं सरकार को नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, इंसान की सोच है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम गाय रखते हैं तो दूध के लिए रखते हैं, दूध देना बंद कर देती है, गाय खिलाने पिलाने उसके रहने की दिनचर्या में हमारी कमी हो जाती है, ये हमारी मानसिकता है। तो जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे और दूसरे से उम्मीद करना तो बिल्कुल छोड़ दें, ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, और उनसे तो बिल्कुल छोड़ दें जो पैसा खर्च करते हैं बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, देखिए हमने सिर्फ आपसे ये कहा किसी, आप इतने सर्व कर रहे हैं, कोई तो ऐसा होगा आपके जानकारी में जो अपना 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 10 लाख खर्च करके, इस नीयत से खर्च करके कि हम दूसरे की भला करेंगे, है कोई? सोनू सूद तो किए थे खूब कोरोना में, एक जो फिल्म एक्टर है उनका तो खूब नाम चला था। हम भी जब यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म था, उन्होंने कम से कम 5,000 अंडे का फार्म खोला, फिर 10,000 किया, फिर 20,000 किए, ठीक है, तो हमें लगा कि बड़ा प्रॉफिट है, इसमें करना चाहिए।
बाद में पता चला वो अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये बिजनेस खोले हैं। फायदा या नुकसान है इससे उनको कोई लेना देना नहीं। सोनू सूद ने, मैं सोनू सूद की बात नहीं कर रहा, अच्छा किसी और की बात कर रहा, मैं पोल्ट्री फार्म की बात। अच्छा, सोनू सूद के पीछे क्या गुड़ागणित है? हाँ। ये तो सटने पे पता चलेगा। हाँ। ठीक है। हाँ। बात समझ रहे हैं? हाँ, हमने सिर्फ यही कहा ना कि देखिए कोई दिख रहा है ये अच्छा है। हाँ। इस हर चेहरे के अलग मुखौटे हैं साहब। बिल्कुल, वो निदा फाजली का शेर भी है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। बस वही चीज, आपसे बड़ा कोई अच्छा नहीं है और आपसे बुरा भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलिए, ये हैं आम वोटर जो कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं।